कार्य प्रगति पे है ना। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अदर्स आपका भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो गाइस आप जो ये पीछे जंगल देख रहे हो, आज इसी जंगल में हमारी देसी मुर्गी पार्टी चलने वाली है। इनफैक्ट आप लोगों ने वो फॉर्म वाले मुर्गे तो बहुत सारे खाए होंगे, बट आज मैं आपको एकदम गांव का गांवटी देसी मुर्गा आज यहाँ पे बनने वाला है। तो अभी हम लोग फुल यहाँ पे एवेंजर करने वाले हैं। और आप देख सकते हो इसके आजू बाजू ये इतना ज़्यादा जंगल है कि यहाँ पे सांप, गोजर, बिच्छू, मकड़े मुकड़े सब रहते हैं, लेकिन इसके बीच में आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन के धुलने का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे ये शिवम भाई यहाँ पे चिकन धुल रहे हैं। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस। और गाइज आप इसे देख रहे हो, ये पीकू चाचू हैं जो कि उस चिकन में पानी डाल रहे हैं। और ये रहा चिकन का आगे का कार्यक्रम। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अभी प्याज के भूनने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद अब इसमें चिकन डाला जाएगा। तो गाइस फाइनली इसमें चिकन डाल दिया गया है और अब इसको भूनने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली अब इसमें मसाले डालेंगे, जो भी मसाले होते हैं गाइस, जब भी आप ऐसे आँच पे बनाते हो गाँव वाले स्टाइल में, तो लिटरली आप कुछ भी बनाओ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आज तो पहले से ही दिखने से लग रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो दिखाता हूँ अब इसके आगे का प्रोसेसिंग, तब तक हम लोग यहाँ मस्ती मजा कर रहे हैं। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने बाकी हैं। अपना मूस थोड़ा ऊपर का कार्यक्रम कीजिए उसको। अच्छा टाइम टेबल पे खड़ा होता है, ये उनको दिखाइए ना क्या तुम साला मोबाइल में देखा, कैमरा उधर फोकस करो। ये मीशू के साथ तिलक में गए थे, हाँ तो मुझे ऊपर था, हाँ सब बोला था कि जो ऊपर करो मूस कल ऊपर होगा। अच्छा खा रहे थे ना, हाँ हाँ, फिर जब कल हुआ था ऊपर, हाँ जब खाने बैठे थे, हाँ कम से कम पब्लिक खड़ा हो गया चारों तरफ। अच्छा अरे वो मुंह पे लाइट घुसा देगा क्या उधर, करो ना साला साइड में, हाँ लेडीज से लेके जेंट्स तक, हाँ पब्लिक खड़े हो गए, हाँ देखने के लिए, हाँ कि मूछे देखने के लिए। मूछे के साथ साथ मिठाई भी खाए थे मूछे के साथ। अच्छा आप कितने मिठाई खाए थे? मिठाई तो गिनती नहीं की तो 50+ ही था। 50+ मिठाई खाए थे आप, वो जो छेना वाला होता है जो शादी उदी में मिलता है। ऐसे तो लोग अफवाह बहुत फैला रखते हैं लोग तो सुना, मैं तो सुना 250-300 आप लपेटते थे, ऐसा नहीं कार्यक्रम था। रस की नदियाँ बहा दी आप वहाँ पे, मतलब एक वहाँ पे थाल था, दूसरे थाल में आप गार रहे थे, बस मार रहे थे। मोच वाला खाएगा क्या बात है, क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये सामने जो लकड़ी पड़ी है, इसको गांव में बांस बोलते हैं। और एक्चुअली इसका पेड़ भी होता है, एक्चुअली हरा हरा होता है, बट ये अभी सूखा हुआ है। और ये गांव में जलावन के काम आता है, जब बाहर में कहीं हम लोग पार्टी करते हैं, कहीं पिकनिक वगैरह करते हैं, एक्चुअली 1 जनवरी या फिर कभी भी, तो ये उसमें सूखी लकड़ी जो है सो जलाने के काम आ जाते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसके आगे का प्रोसेस। तो गाइस फाइनली अब इसकी टेस्ट करने की बारी आ गई, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गाइज लिटरली मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही लजीज चिकन बना है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज हमारा ये चिकन का कार्यक्रम ऑलमोस्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हो बहुत ही हमारे ज़ोर शोर से लगे हुए हमारे कुंदन भाई, जो कि काफ़ी मेहनती हैं। और ये आज इन्होंने एकदम लाजवाब एकदम लजीज चिकन बनाया है, वो तो अभी टेस्ट करने के बाद मालूम होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पत्ते पे लेके टेस्ट करके देखा था, तो लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, खूबसूरत के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। तो आप देख सकते हो सामने, स्वयं दर्शन कर सकते हो।